बुलाते नहीं। दोस्तों, जिंदगी में इंसान बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आता है, जैसे कि कोशिश करता है कि कोई पुलिस कमिश्नर बनना है, तो कोशिश करता है कि मुझे कलेक्टर बनना है, खास करके जिसको IAS ऑफिसर बोला जाता है। और बहुत से बच्चों के सपने होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन कुछ ऐसे ऐसे सपने जो आजकल बिहार के बारे में बात करें तो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होते हैं, खास करके गायकी के क्षेत्र में। उसी क्षेत्र से बात करेंगे एक ऐसे मासूम बच्चे जिसका नाम होगा आदित्य राज नाम है। लोग आजकल हमेशा सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य राज है। आदित्य राज किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 4 साल से म्यूजिक सीख रहा हूँ। 4 साल से म्यूजिक सीख रहे हैं? अच्छा जी। मैं केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में पढ़ता हूँ। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं आप और 8वीं पढ़ते हैं, 4 साल से आपने म्यूजिक सीख रहे हैं। भैया, वो उम्र कौन सी थी जब आपने स्टार्टिंग किया था? 14 साल के है ना लगभग? जी 14 साल के, मतलब 10 साल के। 10 साल के थे तब से ये हारमोनियम थाम लिया है ना। लेकिन क्या कभी आपके लाइफ में सीखने के बारे में ये हुआ कि भैया 10 साल की उम्र में कभी लोग खेलते हैं जिसको वीडियो गेम की ज़रूरत पड़ती है, उस समय आप लोगों ने हारमोनियम शुरू कर दिया, ऐसा क्यों? दरअसल जब मैं बच्चा था तब मैं अपने बच्चा तो आज भी है बच्चा हाँ। तो आज भी है जी, मतलब 10 साल के थे। हाँ बताइए। मैं अपने पिता के साथ सरस्वती संघ जाया करता था, जहाँ पे सरस्वती संघ जी, जहाँ पे सरस्वती माँ की आराधना होती है, वहाँ पे बहुत लोग और भैये लोग अच्छा माँ की आराधना करते थे, भजन गाते थे। मुझे भी कभी मौका मिलता था तो मैं भी गा लिया करता था, तो वहीं से मेरे को मौका मिलता था तो गा लिया करता था। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि आप गा लिया करते थे, कौन सी गीत सुनना चाहेंगे? मैं अभी एक क्लासिकल गीत सुनाना चाहता हूँ। क्लासिकल है। बहुत से ऐसे लोग बच्चे जो सिंगिंग शुरुआत करते हैं तो ये सब सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आदित्य जी, अभी आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं पढ़ते हैं। हाँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी हाजीपुर रेलवे में जॉब करते हैं। मम्मी क्या करते हैं? मम्मी मेरे केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग रेसिडेंशियल रीजनल ऑफिस में काम करती है। मतलब दोनों लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो जॉब करते हैं। जी। और आपका सपना क्या है? मैं एक अच्छा सिंगर बनना चाहता हूँ। लेकिन भैया, ये बात अलग नहीं लग रही है आपको कि पिताजी जॉब करते हैं, देखा जाए तो दोनों लोग सरकारी जॉब करते हैं, है ना? और आप जो है कि सिंगिंग दुनिया में जाना चाहते हैं, क्या कैसा क्या लगता है कि पापा मम्मी आपको सपोर्ट करेंगे? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करेंगे और करते भी हैं, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं अब तक सीखता नहीं रहता संगीत, और मैं पढ़ाई के साथ साथ संगीत को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ, और मैं उसमें भी अच्छा करना चाहता हूँ। पिताजी का नाम क्या है आपके? मेरे पिताजी का नाम नवीन कुमार है, श्री नवीन कुमार। मम्मी? माता जी का नाम सोनिया कुमारी है। मम्मी पापा दोनों जी
सरकारी जॉब करते हैं, बच्चों को म्यूजिशियन यानी म्यूजिक क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। क्यों? इनको पता है हम जॉब करके महीने का 70,000 कमा सकते हैं मगर अपनी वीडियो वायरल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज सभी लोग उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जिस क्षेत्र में मोदी जी कहा करते हैं मैं डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, और उसी डिजिटल इंडिया को बनाने के लिए लगातार लोग यूट्यूब पे काम करते हैं और यूट्यूब के साथ साथ पब्लिक का प्यार पाना चाहते हैं, जैसा कि आदित्य राज ने किया है। हाँ आदित्य जी, और कौन सा अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है कि भगवान बेर खाते नहीं, सबरी की जैसा कोई खिलाए तो, है ना? एक गीत आती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। लेकिन आपने एक बात और कहा है कि कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, मीरा की तरह अगर बुलाओ तो। बात जो गीत में बहुत साफ साफ झलक के आ रही है कि लोग कहते हैं कि भगवान नहीं आते हैं, सबसे बड़ी बात है कोशिश करके तो देखो। कौन कहता है कि ज़िंदगी में हम सफल नहीं होंगे? अगर जो कहते हैं कि सफल नहीं हो पाऊंगा तो सबसे पहले मेहनत तो करो। ये सारी चीज़ें इस बात पे कहती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेसमेंट हो जा पाएंगे।